से आपको पता है कि हमने साइड की पैनल मास्क टैंक टेल सब कुछ बना दिया है। आप बोलोगे चालू करो। कितना लेके आए? 5 लीटर। कहाँ से लिख हो रहा दिखा दो मैं आपको। यहाँ से लिख हो रहा है यहाँ। एंड यहाँ पे हमने कुछ नया सोचा है स्विंगम के बारे में। ऐसा स्विंगम बनेगा पीछे। सो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? ओके आप सब लोग अच्छे हो गए। तो अभी अपन जा रहे हैं सीधा हाथीजन। तो हमने जो कल विंग्स बनाया था उसका मैंने कॉमेंट पढ़ा, आपको बहुत ही पसंद आया। तो सामने साइड भी विंग्स बनाएंगे। विंग्स के अंदर भी हमको बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना है। थोड़ा सा बाहर दिख रहा था उसको थोड़ा अंदर करना है। कैसे करना है आपको वह पे जाके पता चलेगा। तो आज कुछ भी करके छोटी मोटी जो गैप बचती है हमारे, जैसे कि विंग्स साइड के पहनने के लिए हमने विंग्स बनाया एंड सीट एंड पीछे का टेल के बीच में जो गैप रहती है वो सब कवर करना। छोटा मोटा काम फटाफट खत्म करेंगे, उसके बाद पेन का काम चालू करेंगे। तो चलो। तो चांगोदर आ चुके प्रीमियम पेट्रोल डलवाने के लिए। तो आज का रेट है 99 पर लीटर एंड नॉर्मल का 95, वही है। तो गाइस अभी एक बजने वाला है एंड सागर भाई आ चुके। सागर भाई हेलो। तो कल हमने जो काम किया था वो आपने देखा था कि विंग्स बनाया था ये पैनल के ऊपर। देखो अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से, रात को दिख नहीं रहा था, अभी देखो दिख रहा है अच्छे से। एंड बाइक लंबी नहीं दिख रही है, छोटी दिख रही है। बार बार मुझे आपको यही बोलना पड़ता है कि बाइक लंबी नहीं है यार, अच्छी है, बल्कि है। बाइक पूरी बनने दो, आपको मज़ा आएगा, इतना पता है। तो हर बार सुबह बाइक बाहर निकल के हमको चेक लगाना पड़ता है एंड वो स्टैंड लगाना पड़ता है, तभी हमारी बाइक स्ट्रेट रहती है। क्योंकि क्या है कि पीछे हवा नहीं है एंड आपको पता है कि स्पॉट बाइक तो एक ही स्टैंड में आती है, तो हमने एक ही स्टैंड बनाया इसमें। एंड आगे का मास वो एकदम परफेक्ट है, बट यहाँ पर ये जो है पैनल छोटी, मतलब देखो ये पैनल थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी थोड़ी नीचे है, तो उसको हमको फिटिंग करना बाकी है। देखो कुछ इस तरीके से आएगा मास। चलो सही है। सागर भी ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ चेंज किया है ये विंग्स में डिजाइन, मतलब आपने सोचा कब? नाते नाते अभी। सागर भाई नाते नाते कुछ डिजाइन सोचा एंड वही डिजाइन अपन करेंगे, देखते हैं कि नाते नाते क्या सोचते हैं। देखते हैं, चलो चलो। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कल जो विंग्स बनाई थी वो ओके, बट इससे भी कुछ अच्छा करना है। तो सागर भाई कुछ डिजाइन कर रहे हैं, देखो कुछ इस तरीके से। चलो बनाओ, बनाने के बाद देखते हैं कैसे बनाते हैं, कैसा लगने वाला है। तो हमने कल जो यहाँ पे बनाया था विंग्स वो निकाल लिया, ये रहा। मैंने दूसरा बनाया वो, मतलब ऊपर से ना लुक नहीं आ रहा था, ऊपर से यहाँ से इसका लुक नहीं आ रहा था, तो मैच नहीं हो रहा था। तो अभी देखो अभी मस्त मैच हो रहा है। तो ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे विंग्स लगाना बाकी है, लगाएंगे एंड आपको दिखाएंगे। एयर नहीं थी, हवा नहीं थी बहुत टाइम से, तो अभी एक बार भर रहे हैं। एंड श्वेत भाई भाई बहुत लेट, केमिकल रेजिन कितना लेके आए? 5 लीटर। हवा भर दी अभी ना, मस्त दिख रहा है देखो। बटन कहाँ से लिख हो रहा है दिखा दो मैं आपको। यहाँ से लिख हो रहा है, यहाँ से लिख हो रहा है। उसको ना सैंडिंग पेपर से घिस के फिनिशिंग करके लगाना पड़ेगा टायर, तभी नहीं निकलेगा। बट चलो अभी चलेगा। देखो यहाँ पे हमारे एक विंग्स लग चुकी है, 3 लगाएंगे। तो गाइस अभी जो कल हमने बनाई थी विंग्स वो निकाल दिया एंड अभी दूसरा बनाया वो फाइनल है। देखो कुछ इस तरीके से, देखो ये सही है, पहले से अच्छा दिख रहा है ना भाई। ये ऊपर मैच हो रहा है, देखो ये यहाँ से मैच हो रहा है। इसके लिए यहाँ से ऐसे बाहर आता था, हाँ जा रहा था ऐसे था, ये सही है। एंड सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ विंग्स करेंगे, मतलब यहाँ पे होल्ड करेंगे वो बाद में। ये हमारा मोल्ड है, इससे बनेगा हमारा फाइबर। देखो यहाँ से देखो, देखो यहाँ से लुक आ रहा है, कंप्लीट है। चलो डन। तो गाइस हम गए थे कार्डबोर्ड लेने के लिए, जो हम बना रहे पैनल साइड की ऐसा कुछ कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड लेके आए, दूसरे साइड का पैनल बनना चालू है। यहाँ पे जो इसकी विंग्स है वो कटिंग करना चालू है। तो विंग्स का बनेगा मोल्ड ना, मोल्ड, हाँ तो वो मोल्ड बनना चालू है। इतना बड़ा बनेगा विंग्स, उसको फिनिशिंग करते करते थोड़ा पतला कर देंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग है हमारा। चलो तो देखो गाइस मैं आपको बता रहा था विंग्स कुछ इस तरह से बनेगी। देखो ये इतना मोल्ड है हमारा, सही है। इसके अंदर केमिकल लगेगा, जिसके अंदर जाएगा केमिकल। ऐसे कितनी बनेगी? 3 दिन, 6 छः, मतलब 12 कार्डबोर्ड काटने पड़ेंगे मुझे। एंड यहाँ पे सीट हमारी फिटिंग हो गई, तेल हो गई एंड बीच में गैप रहती है ना, उसके लिए अपन देख रहे हैं क्या करना है, कवर करना है। तो वहाँ पे कुछ बनेगा, कुछ पार्ट बनाएंगे फाइबर का, बट सोचेंगे क्या करना है। एंड यहाँ पे आगे ये जो गैप है वहाँ पे सोचते हैं कुछ करेंगे। ये मोल्ड है विंग्स का, इसके अंदर आएगा रेजिन जेलकोट अंदर। ओके कुछ इस तरीके से पेपर से बना है सागर भाई ने। चलो कंप्लीट है, हाँ चमक रहे हैं, मतलब पेपर को ऑयल वाला किया उसके बाद
लगाया अच्छा सही, ऐसा कुछ लुक आएगा कम्प्लीट सही लग रहा है। अच्छा आपको देखो गाइस अभी लुक कैसा आ रहा है, टेल का एंड सीट का परफेक्ट। सो डन, अभी ऐसा बनेगा सेम मोल्ड। तो गाइस ये वाला पेपर है, इसको हमने ऑयल किया था, ऑयल करने के बाद यहाँ पे लगाया, मतलब ऐसा चलो ऐसा लगाया, ये हमारा साइज ओके निकला। तो वैसा सेम हम कार्डबोर्ड से बनाएंगे, कार्डबोर्ड से बनाने के बाद फाइबर का बनेगा। ये पार्ट बना हुआ है जैसा कि यहाँ पे लगने वाला, देखो पहले मैंने आपको दिखाया ये कुछ इस तरीके से लग गया, ये जाएगा अंदर। तो ये हमारा मोल्ड बन चुका है, ये हमारा मोल्ड है। तो इसके ऊपर लगाएंगे अपने पीछे एक मैट लगाएंगे, एक लेयर लगाएंगे, हाँ एरोशील पाउडर से बनेगा। ओके चलो, एंड यहाँ पे हमने कुछ नया सोचा है स्विंगम के बारे में। मैंने आपको कल बताया था कि हमको ये वाला निकालना है प्लेट एंड स्विंगम बनाना है फाइबर का, पूरा देखो फाइबर का, हाँ। ऐसा कुछ हमको ऐसा बनाना है, चलो ऐसा स्विंगम बनेगा पीछे, तभी लुक मैच होगा। जो हमारे टेल साइड की पैनल उसके हिसाब से स्विंगम भी हमारा बड़ा चाहिए। तो यहाँ से कटिंग करेंगे, देखो यहाँ से कटिंग कर लेंगे, ये निकल जाएगा एंड फाइबर का आएगा, वेट भी कम रहेगा एंड लुक भी अच्छा आएगा। चलो वो तो सागर भाई अभी इसका काम करेंगे। चलो एंड और एक बात की यहाँ पे भी काम बाकी है, यहाँ पे हमको अंडरबेली बनानी है। ये वाला मडगार्ड कटिंग करना है जो फैशन भाई ने बनाया था, अच्छा है, बढ़िया है कि थोड़ा हैवी पड़ जाएगा और वैसा लुक नहीं आ रहा है। चलो ग्राइंडर से कटिंग करना चालू करते हैं। अभी इसका साइज निकालेंगे, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था मडगार्ड सुपर बाइक का बना ना है ऐसा, मतलब मडगार्ड नहीं पूरा स्विंगम ही समझो, जो मैंने आपको पहले फोटो दिखाया था वैसा स्विंगम बना रहे हैं यहाँ पे। तो पहले ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे कार्डबोर्ड से एंड वही प्रोसेस फैब्रिक वाली। विंग्स देखो हमारा विंग्स बन चुका है, ये वो मारते ना है। देखो कुछ इस तरीके से लगेगी विंग्स, इसको फिनिशिंग करना बाकी है, बहुत कुछ काम बाकी है ऐसा। अभी स्विंगम जो बन रहा है उसका कटिंग चल रहा है। तो यहाँ पे आ गया स्विंगम एंड देखो हमने यहाँ पे एक विंग्स बनाई थी चेक करने के लिए, वो ओके रही, तो दूसरी दो बना देंगे। तो यहाँ पे हमने जो पैना बनाई थी वो सूखने के लिए रखी थी, तो उसका मोल्ड निकालेंगे। देखो ये बन चुका है, हाँ देखो ऐसा सेम शेप आया जैसा हमने कार्डबोर्ड रखा था, सूख गया, हाँ सूख गया ऐसा, चलो सही है। ये हमारा काटना पड़ेगा, हाँ ये काटना पड़ेगा। तीन दिन से हम 10-10 बजे तक काम करते हैं, अभी बाकी क्या रहा है काम, मतलब आपको मैंने कल ही बताया था, आज भी एक बार आपको बता दूं मैं, यहाँ पे जो एक पैनल आएगी जो हमने अभी बनाई वो सूखने के लिए रख दी, उसका मोल्ड बाहर निकल गया। चलो ओके एंड यहाँ पे देखो आज हमने ये वाला स्विंगम उसको कटिंग कर दिया, स्विंगम बन चुका है, बट क्या है कि उसका लुक नहीं आ रहा है, आपको ना ऐसा लग रहा है कि ये टायर थोड़ा बाहर है, बाहर नहीं इसका स्विंगम पूरा और बनाएंगे, अभी बनाएंगे वो बनाएंगे फाइबर से, वेट ना लगे एंड उतना मजबूत भी रहे वैसा बनाएंगे फाइबर से, इतना तक आएगा इतना तक, तो लुक एकदम मैच होगा, ये जैसा कि ये टेल दिख रहा है वैसा कुछ शार्प बनाएंगे कि लुक आएगा वैसा कुछ बनने वाले। तो स्विंगम कटिंग कर दिया, पहले तो हमने ट्राई किया एक विंग्स बनाने को वो बन गया, इसके बाद हमने दो विंग्स दूसरे बनाए, तो हमारे यहाँ पे तीन विंग्स आएंगे, एक दो तीन ऐसे आएंगे एंड पैनल तो बनाएंगे फाइबर से ही, अभी इसका मोल्ड बना है, इसको भी कल बाहर निकालेंगे ऐसा शेप देंगे एंड इसका भी फाइनल हो जाएगा। तो बस सब काम एक साथ चालू समझो, फटाफट काम हो ही रहा है। तो ये वाली पैनल ऐसी बनी सेम वैसी वहाँ पे बनेगी, तो सागर भाई का काम ये पैनल बनाना एंड स्विंगम को शेप देना वो सब काम है, सागर भाई कंटिन्यू कर ही रहे एंड दूसरा काम यहाँ पे देखो अंडरबेली, यहाँ पे अंडरबेली बनाना है, मैंने आपको बोला था अभी बनाया नहीं है, उसका भी खत्म होगा काम, जैसे ही काम खत्म होता है स्विंगम का वैसा इसका काम चालू। जैसे आपको पता है कि हमने साइड की पैनल मास्ट टैंक टेल सब कुछ बना दिया है, आप बोलो कि चालू करो, चालू करेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, वायरिंग वायरिंग सब बाकी है, एक बार पूरा बाइक कंप्लीट कर देंगे, मीटर वीटर इसका मडगार्ड एंड इसका ब्रेकिंग सिस्टम पीछे का ब्रेक इसका वायरिंग वायरिंग सब कुछ करना पड़ेगा, एक बार करेंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद वापस इसको खोलेंगे पेंट करेंगे उसके बाद बाइक हमारी फाइनल। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत जल्द खत्म होने वाला है हमारा प्रोजेक्ट एंड दूसरा प्रोजेक्ट भी तैयारी है, बस ये खत्म होने दो दूसरा चालू, बट ये जो होगा ना प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा अभी तक का, गाड़ी का इंजन से बाइक बनाना वो आई थिंक 3 महीने हो चुके हैं, अभी भी काम चालू है, बस मतलब सोचा हुआ था उससे तो बहुत अच्छा बनाया बाइक, अच्छा बनाया, मतलब टीम हमारी तो जुड़ चुकी है ना, बहुत ही प्यारी टीम है, तो वैसा कुछ है। एंड देखो यहाँ पे हमने आज इसके अंदर हवा भरी थी, तो देखो थोड़ा बहुत आपको लुक आ रहा होगा, थोड़ा बहुत बाइक ऊपर लग रहा होगा, चलो वो भी सही है। तो वही तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं कल, चलते हैं, बाय बाय।